सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका पाठ 8 के पाठ सागर माता से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको इनके बारे में, बछेंद्री पाल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इनका जन्म 24 मई 1954 में नपुरी उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। इन्हें बचपन से ही पर्वतों पर चढ़ने का शौक था। और फिर इन्होंने क्या किया बेटा, ये बहुत ही उत्साहित थी। इनको जब 1984 में जब इन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चुना गया तो ये इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर इन्होंने ये सुबह 5:30 बजे अपने टेंट से निकली और करीब दिन दोपहर के 1:07 पर इन्होंने जाकर उनकी चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना झंडा फहरा दिया था। तो आओ इससे संबंधित अभ्यास कार्य शुरू करें। पत्र लिखने वाली कौन थी, ये पत्र किसने लिखा था बच्चे? बछेंद्री पाल ने। नेपाली भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जो बछेंद्री पाल जिस समय सागर माथा पर खड़ी थी उस समय कितने बजे थे, कितने बजे वो पहुंच गई थी बेटा? वे सागर माथा पर उस समय दोपहर के 1:07 हो गए थे। कितने बजे पहुंचे थे बेटा? 1:07 पे वो वहां पर पहुंच गई थी। दूसरा प्रश्न है, बछेंद्री पाल किस दिन उमंग से भर गई थी? उन्हें कब खुशी महसूस हुई? जब उन्हें क्या आया? उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का निमंत्रण आया, जब उनको चुना गया इस चीज के लिए। बछेंद्री पाल को जब एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चुना गया था तब वो उमंग से भर गई थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, बछेंद्री पाल के दल में कुल कितनी महिलाएं थी? उनको लगा के बेटा टोटल 7 थी। तो उनके दल में कुल 7 महिलाएं थी और बेटा 11 पुरुष भी थे उनके साथ, बट सबसे प्रथम पहुंचने वाली यही बची थी ऊपर। बछेंद्री पाल ने बच्चों को क्या संदेश दिया? उनके इस कार्य से क्या मैसेज मिलता है? उनके इस लिखे हुए पत्र से हमें क्या मैसेज मिलता है? उन्होंने बच्चों को लक्ष्य प्राप्ति
संदेश दिया। उन्होंने अपने इस कार्य से हमें यह संदेश दिया कि जब तक हमें लक्ष्य का सही लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे बच्चे। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर जब पहुंची जब वो कितने बजे थे कि कौन सी तारीख को पहुंची थी? 23 मई 1984 को दिन के 1 बजे वो कब पहुंची थी? दिन के 1 बजे। 1:07 पे पहुंची थी बेटा। ठीक है, अब हम नैतिक प्रश्न करेंगे। आपको अपनी पुस्तक की एक कविता समझ में नहीं आ रही, अब आप क्या करेंगे? सही का निशान लगाकर बताइए। इस कविता को याद करना छोड़ देंगे क्या बच्चों? आप उस कविता को याद नहीं करेंगे या उसे बार बार रिपीट करते जाएंगे यानी रट्टा लगाते रहेंगे, या पुस्तक की वह कविता फाड़कर उस पेज को हटा देंगे, या अपनी अध्यापिका से समझना चाहेंगे? यानी इसका 4 वाला आंसर करेक्ट है कि जब हमें कोई चीज समझ नहीं आए तो हमें उसे समझना चाहिए, ना कि उसका दूसरा ऑप्शन अपनाना चाहिए। अब आइए बच्चों, शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब बच्चों हम उत्तर नंबर 4 प्रश्न
क्रिया कहते हैं। तो हम इन वाक्यों में क्रिया शब्द को छाटेंगे। मैंने उनका पत्र पढ़ा। यहाँ पर बेटा मैंने क्या है, सर्वनाम शब्द, उनका भी सर्वनाम शब्द है। पत्र हो गया संज्ञा, पढ़ा मतलब क्रिया, यानी इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि इस वाक्य में काम किस शब्द में हो रहा है, पढ़ा। ठीक है, अब दूसरा, अपना मन चाहा लक्ष्य प्राप्त कीजिए। यहाँ पर बेटा प्राप्त कीजिए, इसमें काम का होना या करना पाया जा रहा है। उन्हें ऐसा मौका मिला, इसमें बेटा हमारा क्रिया शब्द है मिला। उन्होंने सागर माथा को चूमा, यहाँ पर क्रिया शब्द कौन सा है बेटा, चूमा। यानी इन शब्द से हमें काम का होना या करना पाया जा रहा है। अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे, जिसमें है कि जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। इसमें से शुद्ध शब्द है नन्हा, नन्हे या नन्ही। तो बेटा इसका कै भाग का कौन सा सही है, फर्स्ट वाला नन्हा। इसके बाद ख है प्रश्न, सुबह के उल्टे अर्थ वाला शब्द है। सुबह का उल्टा क्या होता है बेटा, सुबह का उल्टा होता है शाम। विलोम शब्द क्या होगा, सुबह का शाम। उसके बाद महिला से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है। महिला का दूसरा समानार्थी शब्द क्या होगा बेटा, नारी। क्या होगा, नारी। अब हम रचना का संसार के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल में एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा कहा जाता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारे अन्य पड़ोसी देशों के बारे में बताइए। बेटा जब हम इंडिया के भारत के मानचित्र में देखेंगे तो हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इस और म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश है। इसके बाद विश्वंती पाल ने सन 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। हिमालय पर पहुंचने वाली अन्य महिलाओं के नाम बताइए। तो इन महिलाओं में है संतोषी यादव, टिक्की डोलमा, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, मालावत पूर्णा, अंशु जान सेनपा, आशा झंझरिया। यानी इनके अलावा, बछेत्री पाल के अलावा 8 भारतीय महिलाएं थी जो उस चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुकी है। उसके बाद आपको हिमालय पर्वत का चित्र कापी में चिपकाना है और उसके बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों आप सभी यह है।